दोस्तों, इंसान तथा जानवर दोनों प्रजनन करते हैं जिससे कि बच्चों का जन्म होता है। अब बच्चे इंसान के हो या जानवरों के, प्यारे दोनों ही लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जानवरों के ऐसे बच्चे दिखाएंगे जो इतना प्यारे तथा मासूम हैं कि देखकर आपका भी दिल पिघल जाएगा और आप जान पाएंगे कि जानवरों के बच्चे भी इंसान से कम प्यारे नहीं होते। तो चलिए आज का ये बेहद ही रोमांचक वीडियो शुरू करते हैं। हिप्पो। हिप्पो को नदी तथा झील का राजा कहा जाता है। एक व्यस्क हिप्पो का वजन 1300 किलो से भी अधिक हो सकता है, जबकि वहीं जन्म के समय ये जानवर बेहद ही छोटे तथा मासूम लगते हैं। जन्म के समय नन्हे हिप्पो का वजन महज 45 किलो होता है। हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तनपाई होने के बावजूद हिप्पो के बच्चे आकार में बेहद छोटे होते हैं। हिप्पो दिन के 16 घंटे पानी में बिताते हैं, इसीलिए इनके बच्चों को भी पानी में गोता लगाकर दूध पीना पड़ता है। दरअसल यह जानवर पानी के नीचे 5 मिनट तक सांस को रोक सकता है और इतना समय बेबी हिप्पो के पेट भरने के लिए काफी होता है। दोस्तों, नन्हे नन्हे कदम तथा बड़ी बड़ी आंखें इस जानवर की खूबसूरती को निखारने का काम करती हैं। हालांकि व्यस्क होने के बाद ये जानवर बेहद खूंखार तथा खतरनाक हो जाता है। सील। धरती पर सील की कुल 33 प्रजातियां पाई जाती हैं और यह सभी प्रजातियां क्यूटनेस के मामले में एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट हाफ सील की। इस जानवर की अधिकतर प्रजातियां घोंसले बनाकर उनमें बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि हाफ सील बिना घोंसले बनाए इनके बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, बेबी सील को पप्स कहा जाता है और ये इतने प्यारे होते हैं कि आपका दिल जीत लेंगे। इनकी बड़ी बड़ी आंखें तथा बर्फ पर रेंगता नन्ना सा शरीर देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। और बाकी इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। एलिफेंट। दोस्तों, 99% मामलों में हाथी रात के समय इनके बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म के समय हाथी का वजन 160 किलो होता है। इस समय हाथी की आंखें कमजोर रहती हैं, इसीलिए आवाज, टच तथा गंध से यह मादा की पहचान करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाथी बचपन में इनकी सूंड से खेलते रहते हैं। दरअसल इस समय उन्हें मालूम नहीं होता कि सूंड का उन्हें करना क्या है। दोस्तों, आने वाले 4 सालों तक हाथी दिन में 3 गैलन दूध पीते हैं और फिर कहीं जाकर इनकी डाइट में घास तथा पौधे शामिल होते हैं। मगर इसके बावजूद आने वाले 10 सालों तक हाथी दूध पीना नहीं छोड़ते, जबकि समय के साथ साथ इनकी डाइट बढ़ती जाती है। टाइगर। बाघ बड़े ही कमाल के शिकारी होते हैं और ताकत के मामले में बहुत ही कम जानवर ऐसे हैं जो इन्हें हरा पाएंगे। लेकिन जन्म के समय ये जानवर इतना असहाय होता है कि इनके लिए चलना भी कठिन होता है। दोस्तों, एक व्यस्क बाघ की आंखें एकदम गोल्डन रंग की होती हैं, जबकि वहीं जन्म के समय इनकी आंखों का रंग एकदम नीला रहता है। जन्म के समय एक बाघ का वजन महज 2 पाउंड से भी कम होता है और कहीं 10 दिन बाद जाकर ये जानवर इनकी आंखों को खोलता है। दोस्तों, इन नन्हे बाघ को देखकर कहना कठिन होता है कि एक दिन ये इतना खतरनाक शिकारी बन जाएंगे कि इंसान क्या बड़े से बड़ा जानवर भी इनसे टक्कर लेने से घबराएगा। कैमिलियन। गिरगिट इनकी आंखों को 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं और ऐसा करने वाले ये एकमात्र जीव हैं। दोस्तों, गिरगिट तो हम सभी ने देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इनके बच्चों को देखा है? अंडे से जन्म लेने वाले इस जानवर का कद महज आपकी फिंगर टिप जितना होता है। ये इतना छोटे होते हैं कि आपने सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, गिरगिट का आई विजन कमाल का होता है और ये इनकी जीभ से 1 फीट की दूरी तक एकदम सटीक निशाना लगा सकते हैं। इन जानवर को समय के साथ बढ़ता देखना एक कमाल का दृश्य होता है और रंग बदलने वाले इस जीभ को ऐसा करते हुए बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। कोआला। दोस्तों, जिस प्रकार पांडा चीन का प्रतीक है, उसी प्रकार कोआला को ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक माना जाता है। कोआला धरती के सबसे धीमे जानवर है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जानवर किस तरह इनके बच्चों को जन्म देता है और जन्म के समय ये कैसे दिखते हैं? दोस्तों, कोआला का गर्भकाल 30 से 35 दिनों का होता है, जिसके बाद मादा एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, जन्म के समय इस जानवर का वजन महज 0.5 ग्राम होता है, जो कि अंडर डेवलप होता है। इसीलिए मादा की पाउच में इस जानवर के विकास की प्रक्रिया जारी रहती है और 6 से 7 महीनों बाद ये मादा की पाउच को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इस समय इनका वजन 300 से 500 ग्राम होता है और इसके बाद ये अपने आप पर निर्भर हो जाते हैं और इनके अलग जीवन की शुरुआत हो जाती है।
दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यार वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आते रहना अमेजिंग टॉप 5 चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।